दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर बिहार में लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग का जो दूसरा अपडेट साथ जारी हुआ है उसके अनुसार हम आपको बताते चले कि नालंदा में फिर 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद नालंदा का जो आंकड़ा है वो 66 पहुंच गया है और पूरे बिहार का आंकड़ा 989 हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार अब 10वें शतक की ओर यानी 1000 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या पहुंच रही है। अब बस कुछ ही दूर बाकी है 1000 पहुँचने में। नालंदा का जो आंकड़ा है वो 66 पहुँच गया है, 63 से 3 नए मरीज मिले हैं यानी 66 पहुँच गया है। कहाँ कहाँ के मरीज मिले हैं वो भी हम आपको बताते चले कि नालंदा में गिरियक के 1 मिले हैं, हिलसा में 1 मिले हैं और गिरियक में फिर 1 मिले, यानी गिरियक में 2 टोटल मरीज मिले और हिलसा में 1 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही नालंदा में 3 नए मरीज मिले और 3 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना का आंकड़ा नालंदा ज़िले में 66 हो गया है। और सेकेंड अपडेट जो स्वास्थ्य विभाग का जारी हुआ उसके अनुसार टोटल 23 मरीज मिले हैं, 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उसके बाद बिहार में जो आंकड़ा हुआ वो 989 पर पहुँच गया है। तो लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कोरोना का अपडेट्स जारी किया जा रहा है उसकी हम सभी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे निपटने के लिए हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप घर में रहकर सुरक्षित रहें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।